पिछले कुछ सालों में क्लाउडफ्लेयर की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। तो यूज टेबल की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउडफ्लेयर के बारे में और इसको सेटअप कैसे करते हैं उसका भी पूरा प्रोसीजर समझेंगे। इस वीडियो के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप हर एक पॉइंट अच्छे से समझ पाए। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित चौहान और स्वागत है आपका यूज टेबल पर, जहां पे हम लाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग एंड ब्लॉगिंग टेक्स्ट जैसे टॉपिक्स पर वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लाउडफ्लेयर है क्या। वैसे अगर देखा जाए तो हम इसकी CDN यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को ही ज्यादातर कंसीडर करते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करने में काफी मदद करता है। अगर आपको जानना है कि CDN काम कैसे करता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम इस टॉपिक पर जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। क्लाउडफ्लेयर CDN के अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है जो कि बाकी कंपटीटर्स नहीं करते हैं, इसलिए जब भी बात CDN की होती है तो हम में से मैक्सिमम लोग क्लाउडफ्लेयर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स जिसकी वजह से आपको क्लाउडफ्लेयर को अपनी वेबसाइट पे जरूर सेटअप करना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसको हम जानते ही वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव करने की वजह से है। ये CDN नेटवर्क आपकी वेबसाइट की स्पीड को कई तरीके से इम्प्रूव करता है, जैसे कि CDN इन डिफरेंट रीजंस, मिनीफाइंग स्क्रिप्ट्स, एनेबलिंग कैशे, रीसाइजिंग इमेजेस, ब्लॉकिंग अननेसेसरी स्क्रिप्ट्स। क्लाउडफ्लेयर कुछ ऐसे ही एडवांस मेथड्स का यूज करके आपकी वेबसाइट की स्पीड को 10-65% तक इंक्रीज करता है, डिपेंडिंग अपॉन योर वेबसाइट टाइप। बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम अपने सारे डोमेन्स को क्लाउडफ्लेयर पे ही पॉइंट करके रखते हैं, चाहे हम इसके CDN फीचर को यूज़ करें चाहे ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर CDN यूज़ ही नहीं करना है तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या मतलब। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो आपके सारे के सारे DNS रिकॉर्ड्स यहां पर इंपोर्ट हो जाते हैं। अब अगर मुझे यहां पर कोई भी रिकॉर्ड में चेंज या फिर अपडेट करना हो तो मुझे अपना डोमेन या फिर होस्टिंग पैनल को एक्सेस करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने ये भी नोटिस किया है कि क्लाउडफ्लेयर पे किए गए DNS चेंजेस काफी जल्दी प्रोपोगेट हो जाते हैं। हम इसको फायरवॉल भी बोल सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट पे कोई छोटे मोटे अटैक्स होते हैं तो क्लाउडफ्लेयर उनसे आपकी वेबसाइट को आसानी से प्रिवेंट कर लेता है। इसका फायरवॉल ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है और कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स के साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट दे चाहे ना दे, लेकिन क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट पर फ्री में SSL को इनेबल कर सकते हैं। एक सीक्रेट बात बताऊं, यूज टेबल पर बिना क्लाउडफ्लेयर के हर डोमेन पर आपको SSL फ्री मिलता है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर के इस फ्री SSL को इनेबल करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स का वेट करना पड़ता है और इसको बिना प्रॉक्सी इनेबल किए यूज भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री में कई सारे CDN प्रोवाइडर हैं, लेकिन उसमें से काफी प्रोवाइडर DDoS प्रोटेक्शन जैसी बेसिक चीजों के भी काफी अच्छे खासे चार्ज करता है, लेकिन वहीं पे हमारा क्लाउडफ्लेयर DDoS एंड ब्रूट फोर्स अटैक से आपकी वेबसाइट को सेफ रखता है। इसको इनेबल करने के लिए आपको बस आई एम अंडर द अटैक पे क्लिक करना है और ये काम करना शुरू कर देगा। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर, जब इतने सारे फीचर्स मिल ही रहे हैं तो इसे इंटीग्रेट क्यों ना किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि हम क्लाउडफ्लेयर से अपनी डोमेन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने डोमेन नेम को अपने होस्टिंग सर्वर के साथ बिना क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर के साथ कनेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हम क्लाउडफ्लेयर में अपने डोमेन नेम ऐड करें तो सारे के सारे DNS रिकॉर्ड अपने आप इंपोर्ट हो जाए, अदरवाइज हमें सारे के सारे मैनुअली ऐड करने पड़ेंगे। नाउ ओपन cloudflare.com ऑन योर क्रोम ब्राउजर, क्लिक ऑन साइन अप नाउ, नाउ फिल ऑल द डिटेल्स एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड। अब प्रोसीड करने के बाद आपको अपना डोमेन नेम एंटर करना होगा जिसे आप क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। डोमेन डालने के बाद आपको क्लाउडफ्लेयर आपसे प्लान सेलेक्ट करने को बोलेगा और हम यहाँ पर फ्री प्लान के साथ ही सेटअप करने वाले हैं। और ध्यान रहे कि क्लाउडफ्लेयर ने अपना प्लान दिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे कि आपको शायद लगे कि कोई फ्री प्लान है ही नहीं। अब प्लान सेलेक्ट करने के बाद यू विल बी रिडायरेक्टेड टू DNS पेज। यहाँ पर आप अपने इंपोर्टेड रिकॉर्ड्स को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके डोमेन के लिए क्लाउडफ्लेयर की तरफ से न्यू नेम सर्वर्स दिए जाएंगे। इन नेम सर्वर्स को आपको अपने डोमेन पैनल में जाके कुछ इस तरह से अपडेट करना होगा।
अब बस आप 5 से 10 मिनट का इंतजार कीजिए और आपको ईमेल कंफर्मेशन के जरिए पता चल जाएगा कि आपके डोमेन नेम क्लाउडफ्लेयर के साथ प्रॉपरली कन्फिगर कर दिए गए हैं। आई होप आपको क्लाउडफ्लेयर का ये डेडिकेटेड वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रिलायबल एंड फास्ट होस्टिंग के लिए आज ही अपनी वेबसाइट को usetable.com पर मूव कीजिए। अभी के लिए टाटा, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।